शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। आम भाषा में समझे तो हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए हर दिन हमें प्रोटीन से भरपूर भोजन की जरूरत होती है। हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं उसमें कुल कैलोरी का 15 से 35% हिस्सा प्रोटीन का होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से एमिनो एसिड से बना होता है। शरीर के लिए 20 में से 9 एमिनो एसिड्स बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे में आपको अपना डाइट प्लान इन्हीं 9 जरूरी एमिनो एसिड को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। शरीर के ठीक तरह से विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन नई कोशिकाओं को बनाने और उन्हें रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा बाल, त्वचा, हड्डी, नाखून, मांसपेशियां, कोशिकाओं और शरीर के दूसरे अंगों को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी को आप अपने आहार से पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोटीन से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है दूध। दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको अपनी डाइट में दूध जरूर शामिल करना चाहिए। 100 ग्राम दूध में 3.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए रोज़ाना एक गिलास दूध पीने से शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। दूसरा है सोयाबीन। सोयाबीन भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। करीब 100 ग्राम सोयाबीन में 36.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और आप सोयाबीन से रोज़ाना की प्रोटीन की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तीसरा है पनीर। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप पनीर अपनी डाइट में शामिल करें। आप खोवा, स्किम्ड मिल्क भी खा सकते हैं। आप रोज़ नाश्ते में पनीर खा सकते हैं। चौथा है दाल। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स दाल भी है। दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। आप खाने में चाहें तो किसी भी दाल का सेवन कर सकते हैं। उससे आपकी डेली रूटीन की प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। पाँचवा है ड्राई फ्रूट्स। आप अपने प्रोटीन के लिए काजू और बादाम भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप नाश्ते या स्नैक्स में काजू बादाम खा सकते हैं। छठा है मूंगफली। मूंगफली में कैलोरी, विटामिन और प्रोटीन भरपूर होता है। मूंगफली शरीर को भरपूर पोषण देता है। करीब 100 ग्राम मूंगफली में आपको 20.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सातवां है मछली। सी फूड में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। मछलियों में प्रोटीन और कई दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आठवां है चिकन। मछली के अलावा चिकन में भी प्रोटीन होता है। ग्रिल्ड चिकन खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नौवां है मीट। चिकन और मीट दोनों में ही प्रोटीन काफ़ी होता है। करीब 100 ग्राम मीट में 22.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। दसवां है अंडे। प्रोटीन के लिए आपको डाइट में अंडे को जरूर शामिल करना चाहिए। अंडे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। अंडे में कई दूसरे पोषक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं।